हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो टेबल है बहुत ही मैसी हो चुका है। जनरली ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैंने जो लास्ट के एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरीके से हम आई को शेडिंग दे सकते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम स्किन को टेक्सचर दे सकते हैं। और लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने यूज़ किया था आर्ट लाइन का पेंसिल, और उसको ही हम यूज़ करने वाले, और जो मेथड है वही करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट आई जो हम लोगों ने बनाया था उसके बेस पे ही हम लोगों ने लेफ्ट आई बनाया, लेफ्ट आई ज़्यादा जल्दी बना। तो यहाँ पे जो हम स्किन का टेक्सचर देने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने थोड़ा मार्कअप करके रखा हुआ है कि कहाँ पे आपको शेडो देना है, कहाँ पे लाइट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके लिए जो पेंसिल यूज़ किया मैंने वो एच बी यूज़ किया। एच बी क्यों यूज़ किया है उसके लिए, क्योंकि ये लाइट पेंसिल है और इसको एक प्राइमरी जो लेयर होता है वो चीज़ें हमें यहाँ पे देनी है। तो नोज़ का जो पोर्शन है, जहाँ पे आप देख रहे हो ये नीचे का जो पोर्शन है, उसमें डार्कनेस ज़्यादा रहेगा, और डार्कनेस ज़्यादा रहेगी तो यानी कि वहाँ पे शेडो है। और जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने मार्कअप किया वहाँ पे ब्राइट पार्ट रहेगा, ऊपर का पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वहाँ पे जितने भी डार्क पार्ट है उसको हमें पेंसिल से वहाँ पे मार्कअप लगाना है। वहाँ पे आप बिल्कुल ही कैसे, हम मैंने आपको एक बताया था कि Day 11 में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप टोनल शेडिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो टोनल शेडिंग है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर, तो उसके लिए आप जाके Day 11 में आप देख सकते हो। उसके लिए मैंने 2 से 3 एपिसोड वहाँ पे बनाए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डार्क चाहिए, जहाँ पे शेडो एरिया है, वहाँ पे हम वो चीज़ें, यहाँ पे हम पेंसिल को ज़्यादा मूव करेंगे। और यहाँ पे रन करने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल ही हार्ड ट्रेस नहीं करना है उसको, उसको बिल्कुल ही लाइट ही रखना है। अगर आपको उसमें डार्कनेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप पेंसिल जो है 1 से 2 बार आप उसको मूव कर सकते हैं वहाँ पे, तो रिपीट कीजिएगा तो वहाँ पे वो डार्कनेस जो होती है वो चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे। और दोनों साइड में हम करने वाले, जैसे कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि ग्राउंड शेप जो होता है वो चीज़ें हमें यहाँ पे देना है। और डेप्थ जो है, एक जो होल है, नोज़ होल है, वहाँ पे शेडो जो होती है ज़्यादा रहती है, उसमें लाइट की जो यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, तो इसके कारण वो चीज़ें शेडो में होती है और डार्क ज़्यादा दिखती है। अब ये होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पेंटिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही लाइट रखा है इसलिए कि हमें फिर से रिपीट करना है। अभी जो पेंसिल हम यूज़ करने हैं वो 2B है, क्योंकि हमें एक एक ग्रेड जो है वो बढ़ाते जाएंगे, तो जिससे उसकी जो डेप्थ है या फिर आप कह सकते हो उसकी जो रियलिस्टिक टच है वो ज़्यादा आती है वहाँ पर। और वैसे भी हम जो एक एक स्मॉल पोर्शन जो है वहाँ पर हम करने वाले हैं, और जैसे जैसे उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ही पेंसिल को हमें मूव करना है। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हो कि थोड़ा उसमें एक राउंड शेप है, तो वो चीज़ें हम वैसे ही करने वाले हैं। और जहाँ जहाँ पे हमें बिल्कुल ही डार्क है तो वहाँ पे हम ज़्यादा पेंसिल को रन करेंगे, वहाँ पे उस एरिया को सेम चीज़ें हम यहाँ पे करें। और कुछ कुछ एरिए में जो लाइट है वो हिट कर रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम उसको कम यूज़ करेंगे। कम यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लाइट रहेगा, और दो तरीके से होते हैं, या तो आप कंप्लीट शेड कर दो, उसके बाद आप इरेजर से इरेज करो, तो उसमें जो काम है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिस एरिया में आपको शेडो जो है वहाँ पे डार्क रखो, जहाँ पे लाइट हिट करे वहाँ पे एकदम हल्का टोन देंगे, लेकिन हल्का सा रहेगा वो। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि उसका जो मोमेंट है पेंसिल का, वैसा ही दे रहा हूँ मैं जैसा स्किन का जो आप कह सकते हो उसका जो मोमेंट होता है, वही फ्लो में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और एजेस पे, जैसे भी आप देख रहे हो कि एजेस का भी फ्लो वही है, कि बिल्कुल स्किन का जो फ्लो होता है वही फ्लो जो है वो हमें पेंसिल में देना है। और ये चीज़ें करने से क्या होता है कि अगर आपको उसमें ब्लेंडर, अगर आपने कंप्लीट ब्लेंड नहीं किया, तो वहाँ पे आप किसी भी एक नॉर्मल आप ब्रश से कर सकते हो या टिश्यू पेपर से कर सकते हो, तो वहाँ पे ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है जैसे यहाँ पे दे रहे हो, और लाइनिंग्स पता नहीं चलता है। वरना अगर आप लाइनिंग्स अगर होगा, अगर आपने लाइन के बीच में गैप रखा है तो वो गैप जो है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें। और एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं कि पेंसिल जो मैंने यूज़ किया, जैसे आर्ट लाइन की पेंसिल, इसमें 6 ग्रेड के पेंसिल आते हैं, और पेपर मैंने यूज़ किया है अनुपम का 160 GSM। तो ये चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप पेंसिल को आप अपग्रेड करोगे वो चीज़ें जो डेप्थ जो है वो ज़्यादा आती है, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लेंडिंग जो है वो ब्रश से भी, और ब्रश में भी 2 पेंटिंग ब्रश और 1 मेकअप ब्रश, और जो सेकेंड मेथड है वो है टिश्यू पेपर से।
टिश्यू पेपर से बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि उसका जो एक स्किन का जो स्मूथ टेक्सचर है, हाइपर रियलिस्टिक टेक्सचर है, वो चीज़ें आ जाती हैं उसकी। ऑल्दो उसके बाद आप टेक्सचर देते हो उसमें, स्किन के जो डॉट्स होते हैं तो वो चीज़ें भी हम ब्लेंड करते हैं, हल्का सा ब्रश से ब्लेंड करते हैं, लेकिन पहले जो स्मूथ चाहिए आपको बिल्कुल ब्लेंडिंग, वो टिश्यू पेपर से ही आ सकती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसका एक हार्ड सरफेस जो होता है वो सरफेस उसमें कवर होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही मैं यहाँ पे फोरहेड पे भी कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइट रखना है लाइट छोड़ दिया मैंने, और जहाँ पे डार्क रखना मीन्स कि जहाँ पे शेडो है हल्की सी, तो वहाँ पे हम लोगों ने डार्क किया। और फ्लो वैसा ही लेके आना है जैसा कि स्किन का जो फ्लो है वैसा ही। अगर आपने फ्लो जो है फ्लो नहीं करके अगर आप क्रॉस हैचिंग भी करेंगे तो भी वो चलेगा, लेकिन उसको हर एक एंगल से आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा, जिससे कि एक जो डार्कनेस है वो चीज़ें आने लगती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है, पेंटिंग ब्रश नहीं है, अगर आप सिर्फ टिश्यू पेपर है तो भी आप कर सकते हो, आपका काम रुकेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हो अभी, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जेंटल पुश करना है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना, उससे क्या होगा कि कहीं कहीं स्पॉट आ जाते हैं, तो स्पॉट आ जाएंगे तो वहाँ पे इसको चीज़ जो है आपको बचा के रखनी है। और आप जहाँ पे स्पॉट अगर आ भी गया तो भी आप उसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये है कि आप ब्लेंडर जो मैंने आपको दिखा था फोम, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो डार्कनेस है कहीं कहीं स्पॉट आ जा गया है तो वो उसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे HB पेंसिल से करने के बाद अभी 2B पेंसिल है उससे हम करने वाले हैं। तो एक जैसे वही बताया आपको कि लेयर जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्केचिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको रियलिस्टिक की तरफ जाती है। तो वैसे वैसे जहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ें हम वहाँ पे उसको मूव कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे हेयर का भी जो शेडो होता है वो भी वहाँ पे लगता है वहाँ पे, तो हेयर का शेडो भी हम वहाँ पे बनाएंगे। ऑल्दो हम हेयर जो है वो बाद में बनाने वाले, लेकिन शेडो जो है वो हम पहले से ही डाल के रखेंगे वहाँ पे। और उसका शेप जैसा है, जैसे आई देख रहे हो आप, आई के पास से जो फोर हेड की तरफ जा रहे हैं, तो उसका शेप जो ऐसा भी है वैसे उसी शेप में ही हम पेंसिल को भी मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम करेंगे उसमें जो रियलिस्टिक है, उसमें जो टेक्सचर है, वो चीज़ें और ज़्यादा जनरेट होंगी। तो यहाँ पे हल्के हल्के हैंड से मैंने थ्रू आउट जितना भी स्पेस है वहाँ पे कर दिया, और इसको जेंटल ब्रश से भी आप हल्का हल्का आप उसको जितना भी ब्लेंड करते हैं तो वो चीज़ें इवन टोन जो होता है वो आ जाता है, और इसमें ना हल्की सी टेक्सचर दिखना चाहिए पेंसिल का, इसलिए कि स्किन का भी अपना एक अलग टेक्सचर होता है, बिल्कुल ही चिकना नहीं होता। जैसे कि आप अगर मेल का फेस बना रहे हैं तो उसमें आपको हल्का सा रफ एजेस जो है वो आप दे सकते हैं, और कभी कभी आप बिल्कुल ही फीमेल का ही बना रहे तो स्मूथ टेक्सचर जो है डायरेक्ट आप ब्लेंड कर सकते हैं टिश्यू पेपर से। लेकिन मैंने यहाँ पे जो ब्रश का यूज़ इसलिए किया कि थोड़ा सा टेक्सचर मुझे स्किन का दिखाना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है, और जिस जिस एरिया में शेडो है लाइट का जो इम्पैक्ट है वो कम है, वहाँ पे हमें डार्क करना पड़ेगा, एक बार दो बार तीन बार आप ऐसे कर सकते, जितना आपको कॉन्ट्रास्ट लाना है इमेज में और जितना आपको ज़्यादा रियलिस्टिक देखना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। क्योंकि टिश्यू पेपर में एक ही ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक ये होता है कि वो जो है एक जो कलर होता है वो उसको पिक कर लेता है, कलर मीन्स कि जो ग्रेफाइट है पेंसिल का, वो पिक कर लेने से क्या होता है कि वहाँ पे जो पोर्शन है वो ब्लेंड तो हो जाता है लेकिन वहाँ पे वो लाइट हो जाता है बिल्कुल, जो हमें डार्कनेस चाहिए होती है वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो इसलिए आपको कई बार दो बार तीन बार आपको जो उसके बाद ग्रेड पेंसिल है, जैसे 2B से कर लिया, फिर 4B से करेंगे, 4B से कर लिया तो 6B से करेंगे, और ज़्यादा चाहिए तो 8B यूज़ कर लेंगे जैसे अभी आप देख रहे हो। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही डायरेक्ट पेन बिना ब्लेंडिंग के भी कर सकते हैं चीज़ें, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो चीज़ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको कि आप हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से कैसे आप टोनल ब्लेंडिंग जो होता है वो आप कर सकते हैं बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के, पेपर स्टैम्प हो या फिर आप ब्लेंडर होता है या फिर आप टिश्यू पेपर है और ब्रश है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके भी आप एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। आगे के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैं आपको बताऊँ। और इसमें एक बेनिफिट टिश्यू पेपर में और होता है कि जो जो उसमें ग्रेफाइट है, जो उसमें टिश्यू पेपर पे आ चुका है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्लेस पे। और मोनो इरेजर का मैंने यूज़ किया यहाँ पे,
जहाँ जहाँ पे टेक्सचर जो है, स्किन का जो टेक्सचर है वो आप दे सकते हो। और इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल का। मैकेनिकल पेंसिल जो है मैंने स्टेडलर का यूज़ किया, आप कोई भी एक नॉर्मल 20 रुपीज़ का पेंसिल यूज़ कर सकते हो और उसको हल्के हल्के एजेस से आप हेयर बना सकते हो। तो ये जितना आपको रियलिस्टिक जाना ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना रियलिस्टिक आप बनाना चाहते हैं, और मोस्टली ये है कि आप टाइम कितना देना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है आउटपुट है वो टाइम पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने सोचा कि 1 घंटे में आपको पोर्ट्रेट बनाना है, तो पोर्ट्रेट जो है वो चीज़ें दिखेंगे, और ज़्यादा रियलिस्टिक चाहिए आपको तो 3 से 4 घंटे। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूबर्स हैं तो उन्होंने 4 डेज़ में भी 5 डेज़ में भी एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन उसकी जो आउटपुट आती है वो बहुत ही अल्टीमेट आती है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो भी मैं पोर्ट्रेट एक कंप्लीट करता हूँ वो 1 से 2 घंटे में हो जाती है। हाँ, बस वही है कि अगर हाइपर रियलिस्टिक अगर आप चाहिए तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉट्स दे रहा हूँ तो डॉट्स जो भी हैं वो देना पड़ेगा, और डॉट्स के साथ साथ वहाँ पे इरेज भी करना पड़ेगा, तब जाके वो डेप्थ है वो चीज़ें दिखेंगी। तो ये धीरे धीरे करने के बाद जितने भी डॉट्स मैंने यहाँ पे दिए उसको फिर ब्लेंड भी करना है आपको। ब्लेंड इसलिए करना है कि वो जो एकदम जो डार्क स्पॉट होता है वो चीज़ें निकल जाए यहाँ पे। और ये दोनों साइड में भी करने वाले हम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हल्के हल्के हेयर जो है मैकेनिकल पेंसिल से दे सकते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं। और ये जो है ट्यूटोरियल है वो बहुत ही फास्ट वर्जन है। अगर आपको स्लो वर्जन देखना है तो आप हमारा जो वेब क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कि आपको www.sketchbookabhishek.com में मिल जाएगा। और कोर्सेज में जाके आप जो भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको, जिसमें आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डार्क एरियाज़ हैं उसको और डार्क करेंगे, और होपफुली ये वीडियो जो है पसंद आएगा आपको। तो अगला एपिसोड हम लेके आएंगे फिर नेक्स्ट डे। तो अभी तक के लिए थैंक यू।